अस्सलामुअलैकुम, वेलकम वेलकम बैक टू आर चैनल फाया नकवी ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे, खैर खैरियत होंगे, हर चांस सब बेहतर होंगे। सो आज है स्पेशल दावत फूफा लोगों की, तो उनके लिए घर में सारी तैयारियां चाहिए। देखें पंप चल 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 के लगान हो गया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं कर लो ना, लाइक किया, कमेंट लाइक करो, कमेंट करो, प्यार से शेयर करो, जल्दी से जाओ जाओ जल्दी से। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ घर में क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले ये देखें, ये देखें छोटा छोटा सा फुहारा निकल रहा है छोटा। अगर हम इसको बंद कर देना बड़े मजे का फुहारा। मैं अपने फर्श वगैरह धो लिया, सबको लापा कर रही है। लो लाइट तो हमने ऑफ ही नहीं की। सो लेट्स गो। हेलो मुसा, क्या कर रहे हो हैं? क्या कर रहा हो? नहीं बोलना। ओके जी, किचन में साइड पे हो गए, साइड पे हो गए सारे। ये भी शोर से सारा कर रही है। सलाम हमारा रेडी। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बॉईल हो चुका है, मटन है चावलों के लिए। सो लेट्स गो। ये सैलेड बनेगा जो के मैं बिजाई बनाऊंगी हर बार की तरह। कितना प्यारा आ रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। बेस्ट पो के पड़े हुए हैं सारे, इसके पीछे पागल हैं सारे सारे। मैं नहीं कहती कोई दुनिया में ऐसा होगा जो इसके पीछे पागल ही ना हो। एक दिन घर में राइस ना बने ना, वो हो जाता, वो खुद ही समझ। इतनी खुशी मुझे आज तक। अब रख रख जुड़ू, ये मैंगो पड़े बाद में पीएंगे इसका शेक। मैंगो में तो मेरी जान अटकी है जान। एक दिन मैंगो का शेक ना बने और सर्दियों में एक दिन गाजर का हलवा, मेरा सरा नहीं जाता। इतना मुझे मजे का लगता है, आपको भी लगता होगा पता है। तो ये बढ़िया बोतलें खाने के टाइम पे मजा आ जाता है, बोतलों के बगैर खाने में मजा ही नहीं है। इस टाइम हो रहा है अब नमाज का वक्त और हम पहले करेंगे अदा नमाज और उसके बाद वेट हो रहा है कि बाबा भी आ जाएं और फूलों भी आ जाएं, फिर खाएंगे खाना। इसलिए सबसे पहले नमाज पढ़ लेते हैं, जोहरैन का वक्त हो रहा है, जोहरैन अदा करते हैं और उसके बाद खाना। अब मामा ने हमें दिए हैं खीरे काटने के लिए कि हम खीरे काटें, वो मूसा का हम खीरे काटेंगे ताकि सैलड जो है वो कम्प्लीट हो सके और वो बन सके। और इसके बाद मम्मा रोटियाँ भी बना रही हैं और राइस भी बना रही हैं। सो बाकी काम मम्मा का किचन में टन कर रहे हैं और उन्होंने मुझे दिया है ताकि मैं खीरे काटूँ और सैलड बन जाए। मम्मा जो है कर लिया था। आई एम टू मच सियानी। यहाँ रोटियाँ बन रही हैं और यहाँ पे चावल, दिखाना ज़रा। अभी डलने अभी चावल उसमें डलने, सिर्फ पानी बॉयल हो रहा है। हम फिर चक्कर लगाएंगे आपके पास। कंटिन्यू योर वर्क। बड़े बड़े
आज का जो है हमारा व्लॉग वो हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मेहमान आए तो वो लोग आए, इसलिए हमने आज की गैदरिंग रखी थी क्योंकि ईद की छुट्टियों का जो है ये लास्ट संडे है, मतलब कि पूरे हफ्ते से जो वीकेंड शुरू हुआ हुआ है ये है लास्ट संडे, और इसके बाद जो है सभी रूटीन कैजुअली शुरू हो जाएगी। हमारी तो नहीं होगी, हम तो घर पर ही हैं, और बाकी बहन भाई भी जो हैं वो भी घर पर हैं क्योंकि सबको छुट्टियाँ, समर वेकेशन चल रहे हैं। सो इसके अलावा जो है वो लोगों को इसलिए मतलब आए हुए थे वो खाना वगैरह खाने के लिए कि लास्ट संडे है, जरा अब मिलके बैठेंगे, शुगल हो जाएगा है नहीं। इतनी खुशी मुझे आज तक। पहले आप लोग मुझे ये तो बात बताएं, चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं? कर लो, जल्दी सब्सक्राइब कर लो, और जल्दी 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 हम जल्द अज जल्द अपने जो है सब्सक्राइबर्स की लिस्ट को बढ़ा सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा मज़े का नया कंटेंट ला सकें। आगे आ रहा है मुहर्रम, मुहर्रम की फुल रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है और बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आगे मुहर्रम की जो रूटीन होती है ना उसका काफ़ी एक स्मूथ रिदम होता है, बहुत मज़ा आता है उसको करने में ना। सो मामा बना दी थी चाय, वो मैंने आपको दिखाई कैसे चाय बन रही थी, और सारा मतलब मैंने आपको दिखाया किस तरह हो रहा था, खाना वगैरह हमने खाया, मज़ा आया, आपको खुआई है। अभी बैठेंगे फिर तक कुछ रूटीन हुई वो आपको कल के व्लॉग में मिलेगी, लेकिन आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करेंगे क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, सीन ज़्यादा ड्रैग हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स ओके बाय, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक नई स्टोरी के साथ या एक नए चैलेंज के साथ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब हम कल मिलेंगे। दुआ करिएगा मेरा ये पिंपल ठीक हो जाए, मुझे तो सजदा भी नहीं हो रहा मेरे से। सो बाय बाय, कल के व्लॉग में मिलेंगे, टेक केयर, सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर भी।